नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया सा कैंपेन लेके आया हूँ, जहाँ से दोस्तों आप 300 से लेके 700 के बीच में अर्निंग कर सकते हो। 300 रुपया मिनिमम सभी लोग अर्निंग कर सकते हो और मैक्सिमम यहाँ से 700 तक का अर्निंग कर सकते हो। किस तरह से ऑफर को अप्लाई करना है पूरा डिटेल्स में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और किस तरह से दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है और जो भी कैशबैक होगा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। तो बिल्कुल फ्री में दोस्तों 300 से 700 के अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से दोस्तों फ्री में अर्निंग करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का कुछ भी ऑफर होता है उसके बारे में अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलता है। अभी जो कैंपेन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें दोस्तों कोई भी चेंजेस होते हैं कुछ भी अपडेट होता है उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस कैंपेन के बारे में, ये कैंपेन है क्या, किस कंपनी की तरफ से ये कैंपेन निकल के आ रहा है। ये कैंपेन निकल के आ रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। आपके पास अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप लोग दोस्तों घर बैठे जीरो बैलेंस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको कोई भी डेबिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेबिट कार्ड की जरूरत है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज डेबिट कार्ड नहीं भी लेते हो फिर भी दोस्तों आपको कैशबैक यहाँ पे मिलने वाला है। और दोस्तों एकदम 100% फ्री अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट है तो सभी लोग इसको ओपन कर सकते हो, और इससे दोस्तों बाद में कभी भी ट्रांजेक्शन करना चाहो तो ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। इंस्टेंट आधा घंटे के अंदर में दोस्तों आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, फुल कैश अकाउंट रहेगा, इसको आप लाइफ टाइम यूज कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आपको किस तरह से कैशबैक मिलने वाला और कितना पे कितना कैशबैक मिलने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है, लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको लिंक पे क्लिक कर देना है, लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा साइट पे। वहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपको यूपीआई मांगा जाएगा जिसपे आपको कैशबैक चाहिए, तो आपको अपना यूपीआई डाल देना है जिसमें आपको कैशबैक लेना है। वहाँ पे कैशबैक लेने के लिए यूपीआई डालिएगा, उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगा जाएगा, तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के वहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे साइट पे। वहाँ से दोस्तों आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे दोस्तों बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। आपको दोस्तों सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। पिन नंबर मांगा जाएगा, आपको पिन नंबर डाल देना है। पिन नंबर के बाद दोस्तों आपको पिन कार्ड पे जो भी नाम है वो नाम आपको डाल देना है। उसका दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसका दोस्तों आधार नंबर मांगा जाएगा, तो आधार नंबर डाल देना है। उसका दोस्तों आपको रेफरल कोड पूछेगा, तो आपको यहाँ पे रेफरल कोड कुछ नहीं डाला है, रेफरल कोड अगर आप लगा देते हो दोस्तों तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, तो आपको रेफरल कोड पे कुछ नहीं लगाना है, रेफरल कोड को छोड़ देना है। उसका दोस्तों आपको आगे बढ़ जाना है, आगे आप बढ़ेंगे जैसे ही दोस्तों आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड पे ओटीपी आएगा, तो आधार से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी वहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से अकाउंट आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल सेविंग रेगुलर अकाउंट रहेगा दोस्तों, आपको उस पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें बैलेंस मेंटेन भी नहीं करोगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में ही एक ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे में एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, डू यू वांट डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास डेबिट कार्ड की जरूरत है तो आप डेबिट कार्ड ले सकते हो, अगर डेबिट कार्ड का कोई जरूरत नहीं है तो आप डेबिट कार्ड नहीं ले सकते हो। बिना डेबिट कार्ड का भी दोस्तों आप जो पैसा इसमें ऐड करते हो उसको आप निकाल सकते हो, कहीं भी यूपीआई लिंक कर सकते हो, किस तरह से उसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आपको अगर डेबिट कार्ड लेना है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। डेबिट कार्ड अगर लेते हो दोस्तों तो पहले ईयर में आपको कोई भी चार्ज लगेगा, नेक्स्ट ईयर से 100+ समथिंग रुपीज आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं सजेशन ये करता हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करके रखे होंगे वहाँ पे आप डेबिट कार्ड लेके रखे हो तो इसमें डेबिट कार्ड मत लीजिए, आपको डेबिट कार्ड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं ले भी ले तभी आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे यस या नो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो आपको कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट पे कितना कैशबैक है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मिनिमम यहाँ पे आपको 5,000 का फंडिंग करने के लिए बोलेगा, मिनिमम 5,000 ऐड कीजिए, तो आप 5,000 ऐड करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। मिनिमम दोस्तों आपको 5,001 का यहाँ पे डिपोजिट करना है, 5,001 अगर आप डिपोजिट करते हो दोस्तों आपको कितना कैशबैक मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा 5,001 ऐड करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा इस पेज पे, तो आपको पेमेंट कितना करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट आप दोस्तों यहाँ पे 5,001 से प्लस का डिपॉजिट करते हो तो आपको दोस्तों 300 का कैशबैक मिलेगा, 5,005 डिपॉजिट कर लेना दोस्तों और वहाँ पे आपको 300 का कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों 10,001 से लेके ऊपर डिपॉजिट करते हो, 10,010 करते हो तो आपको दोस्तों 400 का कैशबैक मिल जाएगा। और आप दोस्तों यहाँ पे 25,001 का डिपॉजिट करते हो तो आपको 500 का कैशबैक मिलेगा, और 101,000 का डिपॉजिट करते हो दोस्तों आपको 700 का कैशबैक मिलेगा। तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है अपने हिसाब से, आपके पास जितना भी पैसा है उसके हिसाब से आप लोग पैसा ऐड कर सकते हो, और जो भी पैसा ऐड करोगे इंस्टेंट आपका बैंक अकाउंट में चले जाएगा, उस बैंक से दोस्तों आप वापस बैंक में ले सकते हो, अपने दूसरे बैंक में जो बैंक से आपने ट्रांसफर किया है उस बैंक में फिर आप वापस ले सकते हो। और दोस्तों इस बात का आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जब पेमेंट पेज पे जाओगे दोस्तों तो पेमेंट पेज पे आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे कैश बोलेगा, तो पेमेंट आपको डेबिट कार्ड से करने के लिए बोलेगा। अब जैसे पेमेंट पेज पे जाते हो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो आप जो
भी अमाउंट सेलेक्ट करना चाहते हो वो अमाउंट डाल देना। अमाउंट डालने के बाद पेमेंट पेज पे चले जाओगे, वहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से अमाउंट मैंने बता दिया कि कितना पे कितना कैशबैक मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए बोलेगा, अदरवाइज दोस्तों आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ से अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देना, बैंक अकाउंट यूज करते हो उस बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, आपको पेमेंट पेज पे चले जाओगे, पेमेंट पेज पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा और एक नेट बैंकिंग से ऑप्शन मिलेगा। तो आपको कोशिश करना दोस्तों जिस भी बंदे के नाम से आप अकाउंट ओपन कर रहे हो उसी का डेबिट कार्ड यूज करना पैसा ऐड करने के लिए। आप दूसरे का भी ऐड कर सकते हो, दूसरे का भी यूज कर सकते हो, बट अगर उसी का नाम कराएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और बाय चांस अगर आप दूसरे का कार्ड से करते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका बाय चांस पेमेंट फेल होता है या पेमेंट फंसता है तो आपको पेमेंट रिफंड मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल आप अपना पैसा ऐड कर देना, पैसा आप डेबिट कार्ड से ऐड कर सकते हो या नेट बैंकिंग से ऐड कर लेना। जैसे ही ऐड करोगे दोस्तों आपको इंस्टेंट नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, तो आपको बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, देख सकते हो ऑक्यूपेशन मांगा जाएगा, ऑक्यूपेशन टाइप मांगा जाएगा, ग्रॉस इनकम पूछा जाएगा। तो आप अपने हिसाब से पूरा डिटेल्स डाल देना। डिटेल्स डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका पर्सनल डिटेल्स पूरा वहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको वहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो आपको परमिशन पे अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो कैसे कंप्लीट कर देना है। और दोस्तों इस वीडियो कैसे कब तक होता है तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वीडियो कैसे होता है। तो आपको इसके बीच में वीडियो कैसे कंप्लीट कर लेना है। आपको दोस्तों वर्किंग डेज में 8 बजे से लेकर 8 बजे के रात के बीच में कभी भी वीडियो कैसे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे वीडियो कैसे आपका कंप्लीट होता है आधे घंटे के अंदर में दोस्तों आपको ईमेल आईडी पे आधा से 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटे के अंदर में दोस्तों आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, पूरा डिटेल्स आपको मेल पे आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से मेल आ जाएगा। मेल आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अपना बैंक डिटेल्स डाल के, जो भी आपको बैंक डिटेल्स आएगा वो डिटेल्स डाल के आप ऐप में लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा देखेंगे कि आपने जो भी पैसा ऐड किया होगा वो आपका इंस्टेंट आपको वहाँ पे शो होने लगेगा आपके सेविंग अकाउंट में। वहाँ पे दोस्तों आपको फंड ट्रांसफर पे क्लिक करना है। फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और आप अपना IMPS के थ्रू अपने पैसे को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो अपना अकाउंट डिटेल्स डाल देना। आपने जो पैसा इसमें ऐड किया उसको अलग बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, सेम डे भी ट्रांसफर कर सकते हो। आधे घंटे के बाद भी आप ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हो। ट्रांसफर कर लेना दोस्तों आपका पैसा इंस्टेंट जहाँ से आपने इसमें ऐड किया होगा वहाँ पैसा आपका वापस आ जाएगा। और इतना प्रोसेस करने के लिए दोस्तों आपको एक बैंक अकाउंट फ्री में मिल जाएगा, जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपने जो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया होगा उसके हिसाब से आपको कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कितना डिपॉजिट करने पे कितना कैशबैक मिलता है, तो आप सभी लोग जाइए आपके हिसाब से जितना भी डिपॉजिट करना चाहते हो उतना डिपॉजिट कीजिए, आपको उसके हिसाब से कैशबैक मिल जाएगा। कैशबैक कब मिलेगा दोस्तों, कैशबैक आपको ऑफर कंप्लीट करने के 48 घंटे के बाद मिलेगा। तो आप लोग वेट कीजिएगा, कभी कभी 48 घंटे से पहले भी मिल जाएगा। और ज्यादा चांस लगेगा तो दोस्तों 3 वर्किंग डेज के अंदर में आप लोग को जो भी UPI ID दिया होगा उस पर आपको कैशबैक रिसीव हो जाएगा। तो आप सभी लोग दोस्तों इस कैंपेन को अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा कैंपेन है, फ्री में जीरो बैलेंस अकाउंट हो रहा है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 300 का प्रॉफिट हो रहा है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो सभी लोग जाइए इसको अप्लाई कीजिए। और 700 का प्रॉफिट लेने के लिए आपको दोस्तों 1,01,000 का डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उतना का करने का कोई जरूरत नहीं। आप 25,000 तक डिपॉजिट कर सकते हो, आप चाहो तो 1,00,000 का भी कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि दोस्तों आप 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में आप जो भी डिपॉजिट करना चाहो ज्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आशा करते हैं कि सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिनको भी दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है घर बैठे। और फिर भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी डेबिट कार्ड भी चार्ज नहीं लगने वाला है। अब सभी लोग दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट का यूज कीजिए और यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे कोई नया और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।